दुश्मन भी हमें हल्का ना ले। पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान का दुश्मन हल्का ना ले। हम वतनों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी पैगाम है, ना छेड़ मलंगानू। पाकिस्तान के साथ और जो कयाम है पाकिस्तान में, जिन्होंने 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफले लूटे, मेरी बहनों और बेटियों ने अपनी अस्मतें कुर्बान की, तब ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। मेरे ख्याल में हमें जितनी कदर है पाकिस्तान की, हम चैलेंज करते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार के सामने, ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे इंशाल्लाह। 20 आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दो पैगाम है आज। इस वक्त मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, हमारी सियासी कयादत पर ये लाजिम है कि वो 23 करोड़ आवाम के लिए किसी कम से कम नुकाती कौमी एजेंडे पर इत्तफाक करें। आज की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत यकजहती, यकजहती और कौमी यकजहती है। यही प्रोग्राम, यही पैगाम आज का है। दूसरा, इस यकजहती के जरिए से हमें अपने सियासी माशी माशरती शोबों में अपने नौजवानों को आगे लाना है, बेटे और बेटियों को आगे लाना है। ये शहर कराची 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के हवाले करना है, बेटियों के बेटों के। फिर सूबाई हुकूमत और इस्लामाबाद इंशाल्लाह अपने बेटे और बेटियों के हवाले करना है। 12 बजने वाले हैं, फायरवर्क्स होगा यहाँ पर। ये फायरवर्क्स इस बात की अलामत है कि हमारा दुश्मन भी हमें हल्का ना ले। पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान का दुश्मन हल्का ना ले। ये फायरवर्क्स यहां हो रहे हैं, अगर हमारी गैरत को ललकारा गया तो ये फायरवर्क्स कहीं और भी हो सकते हैं। सही है, दुरुस्त। तो अपनों के लिए भी पैगाम, दोस्तों के लिए, हम वतनों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी पैगाम है, ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़ मलंगानू। और आखिरी शेर मैं कहता था, देखें आज कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा शोर आएगा और आ गया। किसी का बाप भी उस दौर को आने से नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अब वो घड़ी करीब आती जा रही है कि जिसका आप सबको इंतजार था, आए। पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान का दुश्मन हल्का ना ले। ये फायरवर्क्स यहां हो रहे हैं, अगर हमारी गैरत को ललकारा गया तो ये फायरवर्क्स कहीं और भी हो सकते हैं। सही है, दुरुस्त। तो अपनों के लिए भी पैगाम, दोस्तों के लिए, हम वतनों के लिए भी और
दुश्मनों के लिए भी पैगाम है। ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़ मलंगानू। और आखिरी से मैं कहता था, देखे आज कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुछ देर